सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने गुड़हल के पौधे से ज़्यादा फूल पा सकते हैं और किस तरह से आप अपने गुड़हल की पत्तियों को हरा बना सकते हैं और हेल्दी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र और कुछ ऐसे पेस्टिसाइड जो कि बहुत ही सस्ते आते हैं और बड़ी आसानी से आप सभी लोगों को मिल भी जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वही वाला पेड़ है जो कि हमारा मर चुका था और जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी कि आप अपने मरते हुए पेड़ को किस तरह से बचा सकते हैं। ये फ़ोटोज़ आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं। तो ये वही वाला पेड़ है जो हमारा मर चुका था और जिसको हमने बचाया था। तो अब आप देख सकते हैं ये कितना ग्रीन हो चुका है, कितनी सारी इसमें टहनियाँ आ चुकी हैं और बड़े भी इस पर लग चुकी हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये आपने फ़ोटो में भी देख लिया होगा कि वही वाला पेड़ है जो सूख चुका था, जिसकी हमने ऊपर से सारा इसको काट दिया था और नीचे से इसमें ये न्यू न्यू ब्रांचेस निकल चुकी हैं। तो अगर आप भी वही वाली वीडियो देखना चाहते हो कि अपने मरते हुए पौधे को किस तरह से बचाएं, तो पहले वो वाली वीडियो जा करके देख लीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा। तो उसमें फुल डिटेल में और फुल अपडेट के साथ वो वीडियो है कि किस तरह से आप अपने किसी भी मरते हुए पौधे को बचा सकते हो। तो अब मेरा पौधा बिल्कुल बड़ा हो चुका है और अब टाइम आ गया है कि मैं अपने पौधे में अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र डाल दूं ताकि मुझको आने वाले टाइम में अच्छे खासे इससे फूल मिल सकें। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी गुड़ाई ज़्यादा नहीं की है क्योंकि मुझे इसमें रूट्स चाहिए थी। अगर मैं टाइम टू टाइम गुड़ाई करता रहता तो उसकी रूट्स डैमेज हो सकती थी। तो मैंने काफ़ी टाइम से इसकी गुड़ाई नहीं करी है और कुछ भी, मतलब मैंने इसमें ट्रिमिंग प्रूनिंग नहीं की है, बस इसको बढ़ते रहने दिया है सिंपली। तो चलिए अब मैं इसमें पहले गुड़ाई करता हूँ और उसके बाद ही फर्टिलाइज़र दूंगा। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, यानी कि चाहे वो ऑर्गेनिक जैसे कि कोई भी खाद हो, गोबर की खाद, वर्मिंग कंपोस्ट, पत्तों की खाद या फिर नॉर्मल कंपोस्ट आपका, या फिर चाहे वो आपकी इनऑर्गेनिक खाद हो जैसे कि DAP, यूरिया, NPK, जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दें तो गुड़ाई बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर हम गुड़ाई करके कोई भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट की मिट्टी में डालते हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी मिलता है और हमारी जो सॉइल है उसमें प्रॉपर एरिएशन हो जाता है, यानी कि जो हमारे पौधे की जड़ हैं उसको अच्छी तरीके से हवा मिल जाती है और वो अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ कर पाते हैं। और गुड़ाई करने के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप टाइम टू टाइम अपनी प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हैं तो आपके प्लांट में चींटियां नहीं होंगी। चींटियां आपके प्लांट में तभी आती हैं जब बहुत टाइम से आपके प्लांट में गुड़ाई ना हुई हो, तो वो मिट्टी में छोटी छोटी सी सुरंग बना के उसमें अपने अंडे दे देती हैं। तो उससे आपके सॉइल में चींटियों की प्रॉब्लम भी नहीं होगी अगर आप अपनी मिट्टी की टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे, और आपकी मिट्टी का ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा बन जाएगा। यानी कि जो भी आपके प्लांट में एक्स्ट्रा वाटर होगा, जो भी मिट्टी में एक्स्ट्रा वाटर होगा आपके गमले में, वो जल्दी से ड्रेन हो जाएगा और रूट्स सड़ेंगी नहीं, कई बार रूट्स सड़ जाती हैं। तो अब हमने गुड़ाई कर ली है, अब टाइम है इसमें फर्टिलाइज़र देने का। तो मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दूंगा जो कि है ये गाय के गोबर की खाद। तो गाय के गोबर की खाद आप दे सकते हैं और वर्मिक कंपोस्ट भी दे सकते हैं और लीफ कंपोस्ट भी, कोई सा भी आप इसमें कंपोस्ट दे सकते हैं। बस आपका जो कंपोस्ट है वो अच्छे तरीके से डीकम्पोज हो जाना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसमें गोबर की खाद दे दी है। करीबन 250 से 300 ग्राम तक आप खाद दे सकते हैं एक 10 से 12 इंच के गमले में एक टाइम में, और ये खाद आप हर 1 से 2 महीने में एक बार दे सकते हैं। तो जो कंपोस्ट होती है, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये ऑर्गेनिक है, इससे हमारी प्लांट की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो जाती है, एरिएशन अच्छी हो जाती है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो जाता है, हमारी जो सॉइल है वो सॉफ्ट बन जाती है और हमारी सॉइल में कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि मिट्टी के लिए और प्लांट के लिए काफ़ी ही यूज़फुल होते हैं। तो उनकी ग्रोथ भी बढ़ जाती है, यानी कि वो अच्छे तरीके से मिट्टी में रह पाते हैं अगर हम अपनी मिट्टी में ऑर्गेनिक खाद यूज़ करते हैं। तो ये तो आपको अपने प्लांट में यूज़ करना ही करना है, यानी कि चाहे गोबर की खाद यूज़ करें, चाहे वर्मिक कंपोस्ट यूज़ करें, चाहे लीफ कंपोस्ट यूज़ करें। पर एक अब मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जिसके यूज़ से आपके प्लांट में 100% ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और जो कि मैंने अपने आप इसका रिज़ल्ट देखा है अपने प्लांट में। मैंने बाकी प्लांट में इसको यूज़ करके देखा है तो मुझे 100% ज़्यादा फ्लावरिंग मिली है। तो वो चीज़ है बोन मील। तो बोन मील ज़्यादा कुछ नहीं, बस जो हमारे मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनकी हड्डियों का चूरा होता है, यानी कि कुछ एनिमल्स जब मर जाते हैं या फिर जो स्लॉटर हाउस का वेस्ट होता है वहाँ पे जो एनिमल मर जाते हैं तो उनकी हड्डियों का चूरा होता है बोन मील। और ये भी एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में ही आता है जो कि आजकल गार्डनिंग में और एग्रीकल्चर में काफ़ी ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो बोन मील आप अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ करें, और एक 10 से 12 इंच के गमले के लिए आप 40 से 50 ग्राम या फिर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम आप एक गमले में डाल सकते हो बोन मील। उससे आपके प्लांट में काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा और अच्छे फ्लावर आएंगे, उनके कलर्स काफ़ी अच्छे होंगे। आपके प्लांट्स पे जो फ्लावर आएंगे वो ज़्यादा दिनों तक आपके प्लांट्स पे टिकेंगे, यानी कि जल्दी गिरेंगे नहीं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ और टिप्स के बारे में। तो गुड़हल के पेड़ पर जो कीड़े हैं वो बहुत जल्दी अटैक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो गुड़हल का पेड़ होता है उस पर पीछे वाइट वाइट से कीड़े आ जाते हैं, तो उनको बोलते हैं मिलीबग। वो क्या काम करते हैं कि पहले तो एक या दो आते हैं पत्ते पे, फिर धीरे धीरे आपकी पूरी पत्ते और जो भी आपके गमले की स्टेम होती है, डंडी होती है, उस पर वो वाइट वाइट से चिपकने लगते हैं। तो क्योंकि वो अपनी ग्रोथ काफ़ी जल्दी बढ़ाते हैं और उसकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। तो उसके लिए आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड भी। तो जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, जो कि आपको मार्केट में काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इसका नाम है नोवान। अगर आपको नोवान भी नहीं मिल रहा तो आप किसी भी गार्डनिंग शॉप पे जा कर के कह सकते हो कि हमें जो गुड़हल का पेड़ है उस पर वाइट वाइट से कीड़े आ गए हैं, उनको हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड चाहिए। तो वो आपको कोई सा भी पेस्टिसाइड दे देगा जो भी उसकी दुकान पे होगा, या फिर आप नोवान नाम से भी मांग सकते हो। और अगर आपको इनऑर्गेनिक यूज़ नहीं करना है तो आप ऑर्गेनिक यूज़ कर सकते हो, जो कि है नीम ऑयल। और अगर आपके पास नीम ऑयल भी नहीं है तो आप नीम ऑयल की जगह पर एक और ऑल्टरनेट मेथड आता है, जिसको हम जो बर्तन धोने वाला विम का साबुन आता है, आप थोड़ा सा लिक्विड वाला जो आता है साबुन, आप दो तीन बूंद उसके पानी में घोलिए और उसको अपने पत्तों पे स्प्रे कर दीजिए। तो उससे एक कड़वी सी लेयर और एक चिकनी सी लेयर आपके पत्तों पे जम जाएगी, जिससे कि जो कीड़े हैं वो आपके पत्तों पे अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि आपके पत्ते जो हैं वो कड़वे बन जाएंगे पेड़ के, तो जो पत्ते खाने वाले कीड़े होते हैं वो आपके पत्तों को नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके पत्तों में थोड़ी सी करवाहट आ जाएगी। और जो इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो कि पत्तों पे बैठते हैं, क्योंकि साबुन की वजह से आपके पत्तों पे एक स्लिपरी सी लेयर बन जाएगी, तो वो आपके पत्तों पे बैठेंगे भी नहीं, क्योंकि उनको पत्तों पे बैठने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाएगी। तो इसलिए आप उसका भी यूज़ अपने प्लांट में कर सकते हैं। और वैसे तो बोन मील यूज़ करने से और ऑर्गेनिक खाद यूज़ करने से आपके प्लांट की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यानी कि जो आपके प्लांट पे फ्लावर ज़्यादा आएगा, पत्तियाँ ग्रीन रहेंगी, जल्दी गिरेंगी नहीं और ग्रोथ भी अच्छी रहेगी आपके प्लांट की। लेकिन उसके बाद भी जो अगर आपका प्लांट पे कलियाँ आती हैं वो गिर रही हैं फ्लावर बनने से पहले ही, तो आप अपने प्लांट में मैग्नीशियम और जिंक भी दे सकते हो। ये आपको किसी भी लोकल नर्सरी पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और अगर आपको लोकल नर्सरी पर ये चीज़ें नहीं मिल रही तो आप वही जिस दुकान से आप सीड परचेज़ करेंगे या फिर खाद परचेज़ करेंगे या फिर बोन मील परचेज़ करेंगे, वहीं से ही आपको जिंक और मैग्नीशियम मिल जाएगा। तो आप वो अपने पेड़ में डालिए, उससे पेड़ की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और जो आपके पेड़ पे ऐसी सूखे हुए पत्ते और सूखी हुई टहनी डंडी आपको दिखाई दें, आपको टाइम टू टाइम उनको भी निकालते रहना है। उससे आपकी प्लांट की ग्रोथ में आपको बहुत ही अच्छा इजाफा नज़र आएगा, यानी कि प्लांट की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी, कोई सा भी पत्ता जल्दी गिरेगा नहीं, जल्दी पीला नहीं होगा। तो जब भी आपको अपने प्लांट पर कोई ख़राब टहनी दिखे या फिर ख़राब पत्ती दिखे या फिर कोई ऐसा फूल हो जो खिल चुका हो और उसके बाद सूख चुका हो लेकिन प्लांट पे ही लगा हुआ हो, तो आप उसको जल्दी से जल्दी निकाल करके फेंक दें, क्योंकि ऐसी चीज़ें आपके प्लांट के एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन को लेती रहती हैं और आपके प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी हो सकती है। यानी कि जो न्यूट्रिशन आप अपने प्लांट को देंगे वो ये चीज़ें लेती रहेंगी। तो ये चीज़ें मैं आपको सारी डिटेल में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं एक एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मैं सारी चीज़ें पढ़ता हूँ। तो जो भी आपको मेरे चैनल पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट मिलेगी। और जब भी आप गुड़हल का पेड़ लगाते हैं तो एक और चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि उसको प्रॉपर सनलाइट मिल पाए, क्योंकि अगर प्रॉपर सनलाइट आपके प्लांट को नहीं मिलेगी तो वो जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिससे कि प्लांट अपना खाना बनाता है, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे और उसके कारण भी आपके प्लांट की ग्रोथ रुक सकती है। तो अपने प्लांट को किसी ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर उसको दिन में कम से कम भी 5 से 6 घंटे की अच्छी खासी सनलाइट मिलती हो। और सनलाइट के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वाटरिंग। आप अपने प्लांट में वाटरिंग भी टाइम टू टाइम करते रहिए। अगर गर्मियों का मौसम है तो आपको अपने प्लांट में 2 टाइम वाटरिंग करनी है, एक सुबह और एक शाम, क्योंकि गर्मियों में मिट्टी जल्दी ड्राई हो जाती है। और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप हर 2 दिन में वाटरिंग कर सकते हो या फिर हर 1 दिन में भी वाटरिंग कर सकते हो, वो आपकी सॉइल के ऊपर और आपके जगह के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाटरिंग आप, और जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र दें उसके बाद भी आपको वाटरिंग अच्छी तरीके से करनी है। और मिट्टी में तो आप वाटरिंग करते ही हो, साथ ही साथ आपको प्लांट के पत्तों पे भी कुछ वाटर स्प्रे कर देना है, उससे आपके प्लांट के आसपास ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी
और पत्ते अच्छे तरीके से ग्रोथ करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन गुड़हल के प्लांट के बारे में, जिससे कि आपके गुड़हल के प्लांट पे ज़्यादा फ्लावरिंग होगी, आपका गुड़हल का प्लांट कभी भी बीमार नहीं होगा, कभी भी सूखेगा नहीं, कभी भी उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर उसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके सभी सवालों का जवाब देने की और उस पर एक और सेपरेट वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।